चलिए दोस्तों, आज और एक नया चीज सीखेंगे हम। आज मैं आप सभी को किस तरह एयर राइफल ओपन साइट जीरो किया जाता है वो बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने देखा है ज़्यादातर ब्रेक बैरल एयर राइफल यूजर्स स्कोप यूज़ नहीं करता, और जो बिगिनर्स है ना, उन सभी को एयर राइफल जीरो करने में बहुत तकलीफ होता है। खासकर मैं इस वीडियो को उन सभी के लिए बना रहा हूँ। आप वीडियो अंत तक देख लेना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही एक अच्छा वीडियो है। और ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा दूर सेट नहीं किया अपना टारगेट, अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर्स पे सेट किया मैंने, 15 मीटर डिस्टेंस पे। और मैं ये वाला फ्लैट यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं, जस्ट बी सिंपली 8.26 ग्राम, बहुत ही अच्छा फ्लैट है ये भी। मैं इसे यूज़ करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताऊँगा किस तरह एग्जैक्टली आपको जीरो करना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपना पैर में सपोर्ट देकर शॉट करूंगा। चलिए शूटिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा फैलेट राइट साइड पे शॉट किया है और हल्का सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी आपको जो आपको प्लेट है ना, उसको थोड़ा लेफ्ट लाना है, तो लेफ्ट लाने के लिए उसको आपको ये वाला देखिए, इस साइड वाला, ये आपका विंटेज है, इससे आपको क्लिक्स करना है क्लॉकवाइज कुछ क्लिक्स, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अपना क्लिक्स करना है वो, आप अंदाजा लगा लीजिए, कुछ क्लिक्स करते चलिए। ओके, और थोड़ा ऊपर शॉट हो रहा है, उसके लिए ज्यादा ऊपर नहीं है और थोड़ा सा ऊपर है, उसके लिए आपको ये एलिवेशन क्लिक करना होगा, बस ज्यादा क्लिक्स नहीं करूंगा मैं। चलिए फिर शॉट करते हैं। अब भी थोड़ा सा राइट शॉट हो रहा है, लेकिन आई थिंक एक इंच से ज़्यादा लेफ्ट चला गया है इस बार, तो मुझे और क्लिक्स करना है। अभी मैं ज़्यादा क्लिक्स नहीं, जितना पहले क्लिक्स किया था उसका आधा क्लिक्स करूँगा क्लॉकवाइज। आपको इस विंटेज को क्लिक करना होगा राइट लाने के, सॉरी लेफ्ट लाने के लिए। अगर आपका पैलेट लेफ्ट शॉट हो रहा है तो आपको राइट लाने के लिए फिर आपको इसे क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज इस तरह उल्टा, जिस तरह हम अनस्क्रू करते हैं उसी तरह आपको इस तरह आपको घुराना है इसे। ओके, और थोड़ा सा ऊपर शॉट किया है, तो ज़्यादा क्लिक्स नहीं करेंगे, बस उतना है। चलिए और ट्राई करते हैं। और मुझे अच्छी तरह दिख नहीं रहा है, आई थिंक शॉर्ट किया है, जो मैंने मार्क जहाँ पे मार्क किया है मार्कर से वहां पे शॉर्ट किया है। चलिए मैं देख लेता हूँ जाके। सॉरी गाइस, साइड से ही शॉट हुआ है, अब तो अभी भी थोड़ा राइट साइड है, लेकिन इतना ज़्यादा जो पहले जितना राइट था उतना नहीं है, मेरा हिलने की वजह से भी हो सकता है। चलिए, क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अपना फेयर पे सपोर्ट रख के शॉट कर रहा हूँ। चलिए और एक बार शॉट लगाते हैं, शायद मेरा हिलने की वजह से भी हो सकता है अभी का। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी एयर राइफल को जीरो कर रहा होता है तो आपको प्रॉपर रेस्ट का साथ जीरो करना है। मैं बस आप सभी को समझाने के लिए, बताने के लिए, अभी आप सभी को दिखाने के लिए मैं बस
इस तरह वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। चलिए इस बार थोड़ा ऊपर शॉट हुआ, मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरा हिलने की वजह से। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए जो नीचे वाला जो टारगेट है ना उस पर शॉट लगाते हैं। थोड़ा ऊपर शॉट हुआ इस बार भी। चलिए तो नीचे लाने के लिए आपको करना क्या है, इसे क्लॉकवाइज आपको इस तरह घुराना है जैसे आप स्क्रू को टाइट करते हैं। ओके दैट्स इट, ज्यादा हम टाइट नहीं करेंगे, फिर ट्राई करते हैं। आई थिंक अभी भी थोड़ा सा लेफ्ट है, लेकिन ऊपर नीचे सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों और थोड़ा सा लेफ्ट है, तो मैं इसे क्लॉकवाइज इस तरह एक दो क्लिक्स कर लेता हूँ। दैट्स इट, ज़्यादा नहीं करूँगा। अब हो जाना चाहिए दोस्तों, चलिए ट्राई करते हैं फिर से। ज़्यादा ही मैंने लेफ्ट क्लिक्स कर दिया। चलिए वापस इसे एंटी क्लॉक वाइज कुछ क्लिक्स वापस करते हैं। बस बहुत ही सिंपल है, आयरन साइट ओपन साइट जीरो करना, जिस तरह मैंने अभी आप सभी को बताया। देखिए दोस्तों मैं आप सभी को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे एक्चुअली इस राइफल को जीरो करना नहीं है, आप सभी को बताने के लिए दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। जिस तरह मैंने अभी क्लिक्स किया उसी तरह आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें आपका एयर राइफल अगर लेफ्ट शॉट हो रहा है, आपको राइट लाना है, तो आपको ये विंटेज है ना इसे एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह आप स्क्रू को अनस्क्रू करते हैं इसी तरह आपको उल्टा इस तरह घुमाना है आपको। और अगर राइट शॉट हो रहा है लेफ्ट ले जाना है, तो आपको इसे इस तरह क्लॉकवाइज इस तरह घुराना है। फिर ऊपर शॉट हो रहा है नीचे लाना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए ये जो एलिवेशन है ना इसे इस तरह आपको जिस तरह टाइट करते हैं हम स्क्रू को, उसी तरह आपको टाइट करने नीचे लाने में। फिर नीचे शॉट हो रहा है ऊपर लाना है, तो इसको आपको जिस तरह हम स्क्रू को लूज करते हैं इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरह घुराना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए और एक लास्ट शॉट लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं जैसे मैंने बताया मैं हिल रहा हूँ बहुत, क्योंकि मेरा पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अपना पैर पे रख के सपोर्ट दे के शॉट कर रहा हूँ। ये रहा दोस्तों टारगेट, मैंने पहले यहाँ पे शॉट लगाया था बहुत थोड़ा, ये देखिए ये टारगेट है, राइट शॉट हो रहा था या फिर राइट शॉट हो रहा था, थोड़ा ऊपर शॉट हो रहा था टारगेट का, तो मैंने कुछ क्लिक्स नीचे किया, फिर कुछ क्लिक्स इसे लेफ्ट लाने में किया, फिर यहाँ शॉट हुआ, फिर यहाँ शॉट हुआ, फिर मैंने इसे एम लगाया, ये आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर शॉट हो रहा था, फिर नीचे लाया मैंने, ज़्यादा ही नीचे लाया। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, मुझे एग्जैक्टली इस एयर राइफल को जीरो करना नहीं है, मैं आप सभी को दिखाने के लिए आप सभी को समझाने के लिए मैं क्या हूँ। सो आपको इस तरह जिस तरह मैंने किया है उसी तरह आपको भी करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखिए दोस्तों अगर आपको जीरो करना है तो प्रॉपर रेस्ट का साथ आप जीरो कीजिए, जैसे मैंने अभी किया उस तरह मत कीजिए, या फिर ऑफ हैंड आप पकड़ के जीरो मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त
अगर आप ऑफ हैंड पकड़ के या फिर जिस तरह मैंने किया उसी तरह आप जीरो करेंगे तो आपका जो हार्ट बीट है वो भी हार्ट बीट का वजह से या फिर आप कभी इधर उधर थोड़ा बहुत हिल जाता है उसका वजह से आप जीरो नहीं कर पाएगा परफेक्टली। सो आपको प्रॉपर रेस्ट के साथ किसी टेबल पे रख के या फिर किसी बाइफोर्ड पे ट्राइफोर्ड पे रख के आपको जीरो करना है। बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।